महाराज की बेअदबी से कानून बनाने वास्ते कुछ करूंगा। साध संगत जी, जिदा ही मैं पार्लीमेंट के गया है, मैं जो अगली बारी आऊंगा मैं ना कापियां लेके आऊंगा। मैं साध संगत जी पार्लीमेंट के प्राइवेट मैंबर बिल पेश कर चुका है इस गल ते कि जेड़ा भी महाराज की बेअदबी करेगा उन्हें फांसी की सजा होगे। मैं पार्लीमेंट के लाया होया है बिल, क्योंकि मैं कहा सी भी मैं सब तो पहला काम महाराज की बेअदबी वास्ते करूंगा, तो मैं करता, मैं ला के आया है, लाया होया है। देखो हुण मैं मिलना भी है, क्योंकि पार्लीमेंट पहला थोड़े कि दिनों का सी, हुण 21-22 तरीक तो बाद सैशन शुरू होगा, फिर आप मिलते हैं। सारा थोनों पता एक लगता हुंदा नहीं कुछ भी, हौली हौली टाइम नहीं लगता है, तो मैं जाके मिल के आप अमल के लिया के कहने भाई इसते कानून बनाओ, क्योंकि मैं उन्होंने कहा भी सानू इसते कानून चाहिए ही चाहिए है, भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी आता है बेअदबी करके कह देंगे जी मुड़ के वो घर दे जी दिमाग नहीं काम करता, जे दिमाग नहीं काम करता तो होर काम थोड़े है, महाराज की बेअदबी करनी है। इसलिए साध संगत जी मैनू जो मैं गल्लां कहना मेरे बखूबी याद होनी है, मैं भुलदा नहीं, वह मैं सब तो पहली गल कही सी भी मैं पार्लीमेंट दे विच पेश करूंगा, तो मैं करता है। वह गल हो रहा भी मैं अज कापियां नहीं लेके आया, मैं लेके आऊंगा, मैं अगली बारी जिस दिन भी आऊंगा मैं कापियां लेके आऊंगा जो आप उत्थे पेश किया है। तो उन्होंने स्पैशली किया है बी इस पार्लीमेंट के लिया के इसते छेती तो छेती कानून बनाया जाए। मैं लगता भी मैं 4 महीने हो गए, क्योंकि जो मैं पार्लीमेंट के पहले सैशन से गया सी मैं उदो ही लवा के आया सी, हुण तां 5 महीने हो गए उन्हूं लगे नूं, हुण आ सैशन लगेगा 21-22 तरीक तो फिर पता लगेगा भी की कार्रवाई की है उन्होंने, भी बनाउणगे नहीं बनाउणगे, क्योंकि असीं जोर बहुत पाया सी। मैं उन्होंने कहा सी भई उहदे विच ना कल्ले अपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब वास्ते भी नहीं है, सारे धर्मां दा कहा होया है भी जिन्ने भी धर्म है उन्हां दी जे उन्हां दे कोई बेअदबी करता है तो सारे धर्मां दी मतलब वास्ते है, वह कल्ले अपने सिखां वास्ते ही नहीं है, क्योंकि आपां सारिआं दा मान आदर करदे, सारे धर्मां अपने लई, सारे धर्म अपने लई सत्कारयोग है। साध संगत जी लेट आण दा कारण यह है भी 31 अक्तूबर नूं अपने फादर साहब दी सी बरसी, ते ओह असीं मोगे कर रहे सी, ते डेली उत्थे लोकां नूं मिलण दा प्रोग्राम पहले 31 तरीक तक लिखिया होया सी, उहदे करके मेरे तों आ नहीं होया। फोन तां मैनूं बहुत आए, मैं कहा जी भी मैं अपने काम च बिजी हाँ, भी मैं वह हुण छड्ड नहीं सकदा, भी फिर मतलब 31 तो बाद आऊंगा। बाकी थोड़ा बहुत मतलब धन्यवाद भी तुसी मेरी मदद की, मैनू वोटा पाइया, MP बनाया, कामयाब किया, पार्लीमेंट च भेजिया, ते मैं अपना वादा भी नहीं भुलिया सी, मैं अपना जो काम पहला किया सी मैं करता। मैं आप सब का बहुत धन्यवादी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी। ये सरकार 18 तो पिया, देखो जी 50 सरकार वाला जिहड़ा कानून भेजा राष्ट्रपति दे सैना लई, 18 तो पिया, 6 साल हो गए। इसे तरह उन्होंने मैंबर साहब वाला भी रखना है, इन्होंने कोई यकीन इहदा लड़ना पऊ उन्होंने, तो आपां नूं बैठना पऊ उन्होंने गेट जाके। सो हुण असीं पुष्पिंदर सिंह जी ताऊ नूं बेनती करदे हां कि उह संगत नाल चंद मिनटां लई विचार सांझे करना, उन्हां तों बाद परमिंदर सिंह जी ਝੋਟਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੋਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ।
मैं साध संगत जी पार्लीमेंट दे विच प्राइवेट मैंबर बिल पेश कर चुका है इस गल ते कि जेड़ा भी महाराज की बेअदबी करेगा उन्हूं फांसी की सजा होवे। यह मैं पार्लीमेंट दे विच लाया होया है बिल क्योंकि मैं कहा सी भी मैं सब तो पहला काम महाराज की बेअदबी वास्ते करूंगा तो मैं करता मैं ला के आया है लाया होया है। देखो हुण मैं मिलना भी है क्योंकि पार्लीमेंट पहला थोड़े कि दिनों का सी हुण 21-22 तरीक तो बाद सैशन शुरू होगा फिर आप मिलते हैं सारा थोनों पता एक लगता हुंदा नहीं कुछ भी हौली हौली टाइम नहीं लगता है तो मैं जाके मिल के आप अमल दे विच लिया के कहने भाई इस ते कानून बनाओ क्योंकि मैं उन्होंने कहा सी भी सानू इस ते कानून चाहिए ही चाहिए है भी जरूरी है क्योंकि कोई भी आता है बेअदबी करके कह देंगे जी मुड़के उहदे घर दे ता जी दिमाग नहीं दा काम करता जे दिमाग नहीं काम करता तो होर काम थोड़े है महाराज की बेअदबी करनी है। इसलिए साध संगत जी मैनू जो मैं गल्लां कहना मेरे बखूबी याद होनी है मैं भुलदा नहीं हो मैं सब तो पहली गल कही सी भी मैं पार्लीमेंट दे विच पेश करूंगा तो मैं करता है वह गल हो रहा भी मैं अज कापियां नहीं लेके आया।